हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान से संबंधित विशिष्ट शाखाएं के बारे में। तो ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे। क्वेश्चन पहला है, कार्पोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बीजों और फलों की संरचना से, ऑप्शन बी पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन, ऑप्शन सी पुरातत्व संबंधित विज्ञान, ऑप्शन डी है मानचित्र और चार्ट बनाने की कला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बीजों और फलों की संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रोमैटिक्स किससे संबंधित है? रंगों का विज्ञान, त्वचा के अध्ययन से, मौसम विज्ञान से, या पांडुलिपियों का अध्ययन से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रंगों का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है अपराध और अपराधियों का विज्ञान, ऑप्शन बी है झाड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन सी है जातियों का अध्ययन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है भूगोल, ऑप्शन बी है धरती की ऊपरी सतह के विज्ञान से, ऑप्शन सी है उत्तकों से संबंधित विज्ञान, ऑप्शन डी है मापन कला विज्ञान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धरती की ऊपरी सतह के विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलियोग्राफी का संबंध किससे है? ऑप्शन इसके हैं ऑप्शन नंबर ए मछली पकड़ने की कला, ऑप्शन बी सूर्य का छाया चित्र, ऑप्शन सी है रक्त का विज्ञान, ऑप्शन डी है खनिज का अध्ययन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य का छाया चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऑप्शन सी ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है इसका बुद्धि का विज्ञान, ऑप्शन बी है कीट पतंगों का अध्ययन, ऑप्शन सी है सूत्रकृमि का अध्ययन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सूत्रकृमि का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है शैवालों का अध्ययन, ऑप्शन बी है विषाणुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी है जीव जातियों का वर्गीकरण से संबंधित, ऑप्शन डी है पोषण विज्ञान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जीव जातियों का वर्गीकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कान का अध्ययन, ऑप्शन बी है हड्डियों का अध्ययन, ऑप्शन सी है पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन डी है स्वप्नों का अध्ययन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पक्षियों का अध्ययन। ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है फूलों की खेती, ऑप्शन बी है फलों की खेती, ऑप्शन नंबर सी है सब्जी की खेती, ऑप्शन नंबर डी है अंगूर की खेती। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सब्जी की खेती। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है मापन कला, ऑप्शन नंबर बी है अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है अंडों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।